नाउ चिल्ड्रन, अभी हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने बताया था, बोमन कैप्सूल था, पीसीटी है, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स है, लूप्स ऑफ हेलने है, ठीक है, डीसीटी है मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है, और ये कलेक्टिव ट्यूब है। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ये जूम करके बता रही हूँ, ये बोमन कैप्सूल्स, ठीक है। बोमन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस मतलब होता है इज अ क्लस्टर ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स का एक क्लस्टर बना हुआ है। ये मैंने बताया था एफरेंट है, जो नाइट्रोजन वेस्ट में नाइट्रोजन वेस्ट जो रिच ब्लड है उसको कैरी करती है टूवर्ड द बोमन कैप्सूल्स, ठीक है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, और फिर यहाँ से प्रेशराइज आता है, तो प्रेशराइज से यहाँ पर पोर्स प्रेजेंस होते हैं, तो ये ब्लड में से देखो WBC RBC प्रोटीन्स ये फिल्ट्रेट नहीं होगा, अमीनो एसिड ग्लूकोज एंड वाटर ये फिल्ट्रेट हो गए, ये इस बोमन कैप्सूल के इस वाले पोर्शन में आ जाते हैं। और ब्लड प्योर मतलब नाइट्रोजन वेस्ट लेस जो ब्लड होगा मतलब प्योर ब्लड होगा वो मूव करेगा एफरेंट एट्रियल से बाहर की ओर, ठीक है। ये फिर कंबाइंड होके किस में, ये आर्ट्रियल ये सॉरी किडनी वेन्स में ओपन होती है, और किडनी वेन्स वापस किडनी से प्योर ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाती है, ठीक है। नाउ अब जो फिल्ट्रेशन आया ना वो इस पोर्शन में आया, अब ये नीचे की ओर मूव करता है और वापस जो अभी भी रिक्वायरमेंट्स हमारे जो अमीनो एसिड्स है ग्लूकोज उसका रीअब्सॉर्प्शन होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था रीअब्सॉर्प्शन यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ग्लूकोज अमीनो एसिड्स का वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होकर ये सारे वापस ब्लड वेसल्स में मूव करवा देते हैं उसको, ठीक है। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में आयंस का रीअब्सॉर्प्शन होगा और वापस ब्लड के अंदर ब्रिंग करवा देंगे। नाउ बोमन जो कैप्सूल मैंने अभी स्टडी करा इसमें जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ओके, इन द बोमन कैप्सूल सब्सटेंसेस दैट स्क्वीज आउट फ्रॉम द ब्लड इनटू द बोमन कैप्सूल्स, ठीक है, जिससे आपके जो सब्सटेंसेस होते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको स्क्वीज कर लेते हैं किसमें, बोमन कैप्सूल में, ठीक है। 120 ml/min हमारा फिल्ट्रेट करता है, ठीक है, यानी 180 L/day में फिल्ट्रेट करता है। और यूरिन, क्योंकि जितना भी फिल्टर हुआ हुआ है वो सारा यूरिन नहीं होता है, उसमें से हम मतलब जो हमारी बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए फाइनली हमारा यूरिन पर डे 1 या 2 L ही फॉर्मेशन होता है। ओके, हेल्दी पर्सन के लिए। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।